जी बहुत दिनों के बाद मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे कि शादी नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ आलिया, बिकॉज ऑफ सम और दी अदर रीज़न. बट फाइनली अभी जीजू मान गए, जीजू के वजह से मेरी शादी हो रही है, आज एंगेजमेंट होने जा रही है, तो मैं बहुत खुश हूँ. ऑफकोर्स जीजू, एक्चुअली जीजू ने ये मेरे भाई जैसे बिहेव कर रहे हैं, बिकॉज घर का बड़ा बेटा जो होता है तो सारे डिसीजंस लेता है जो कि इतना इम्पोर्टेंट, और मतलब कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था, नॉट इवन माई मम्मा. जो काम मेरी माँ नहीं कर सकी वो मेरी जीजू ने कर दिया था. आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम. ऑल्सो दी फाइनली उनको अपने दिल की बात बताने जाने वाली, सो इट्स अ कहानी में ट्विस्ट. ऑल्सो वो बता पाएगी या नहीं, दैट्स अ बिग क्वेश्चन. ये मेरी प्रज्ञा नाम से ही पता चलता है कि ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएगी. वो बेचारी थोड़ी सी, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, वो थोड़ी सी क्या कहते हैं कि शी इज़ नॉट रियली यूज टू दिस. शैतानी तो मैं करती हूँ, दैट्स माई डिपार्टमेंट, बट आई होप कि किसी भी तरह से वो जीजू को प्यार की बातें बता दें, बस दैट इज़ ऑल माई कंसर्न. ट्विस्ट जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे बालों में दो दो ट्विस्ट लगे हुए हैं. बहुत सारे ट्विस्ट्स हैं क्योंकि आलिया इज़ मैडली इन लव विद पूरब, तो वो शांत बैठने नहीं वाली है. सो देखते हैं, क्योंकि बुलबुल को भी नहीं पता कि वो क्या करने वाली है, बट कुछ तो करने वाली है. सो जाने के लिए देखते रहे के भी. और बुलबुल हम ये जानना चाहेंगे, जैसे देख रहे हैं बजट आने वाला है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बजट किस चीज़ का? यार अब तो बजट आने पे ही पता चलेगा, बट ऑन दी होल आई रियली वांट टू रिक्वेस्ट एवरीबडी कि जो भी आपके सर्विस टैक्स, जो भी टैक्स पेमेंट्स है वो रेगुलरली करें. अगर सब कुछ रेगुलरली अच्छा अच्छा होगा, सो देयर वोंट बी एनी कॉम्प्लिकेशंस हेंसफोर्थ. प्लीज वॉच केकेबी. बाय. लेकिन फिर मैं क्यों किया तुमने? मैंने क्या किया? कुछ नहीं सोच रही थी वो. इनफैक्ट जितनी तुमने कॉफ सिरप पी थी ना, उससे ज्यादा कॉफ सिरप चीजों ने किया. कुछ नहीं सोच रही थी वो, और तुमने पिया था ना, उससे ज्यादा चीजों ने किया था. कुछ नहीं सोच रही थी वो. इनफैक्ट जितना तूने पिया था ना, उससे ज्यादा चीजों ने पिया था. मुझे तो याद ही नहीं. सच कह रही है?